कहते तो बन जाऊं बेराग मैं, कहते तो मैं तेरी माया। हाय दोस्तों, तो अभी राइट नाउ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं उधान। इसका मतलब ये होता है कि खाड़ी का पानी अपने स्तर से उठकर खेतों में आ जाता है। और बस देखिए ये कितना सुंदर है। तो अच्छा, तो आज इफ्तारी के लिए मैं शामी कबाब बना रही थी, उसके लिए मैंने सूखे मसालों के लिए ये ले लिया। गरम मसालों में मैंने दालचीनी, 2 इलायची, 3 लौंग, लाल मिर्ची का 1 चम्मच, धनिया पाउडर का 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी ले ली। यहाँ पर चने की दाल के अंदर मैंने मुट्ठी भर के लहसुन, 1 इंच अदरक और 1 मिर्ची ले ली। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे बोनलेस चिकन डाल दिया। इसके अंदर मैं ये मसाले डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और उसको कुकर के ऊपर चढ़ा दूंगी। आपका कुकर जिस तरीके से फंक्शन करता है उस तरीके से उसको चलाइए, इतना कि जो पानी है ना वो सब सूख जाना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर पानी बच जाता है ना तो उसको मैं बाद में कुक करके निकाल सकती हूँ। शामी कबाब की मेरी ये रेसिपी एकदम होममेड है। इसके अंदर मैं कोई बाज़ार वाले मसाले ऐड नहीं करती सिवाय गर्म मसाले के। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करना। जब ये पक जाता है ना तो कुछ ये इस तरीके से हो जाता है, अक्सर इसके अंदर पानी रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से घोट देती हूँ और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ पानी है ना उसको सुखाने के लिए मैं इसको गैस पर चढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं उसको नॉर्मली पकाती हूँ चमचा चलाकर, और इसको पूरी तरीके से एकदम सूखा कर देती हूँ। फिर उसके बाद में उसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ और फिर उसको अंडे में डिप करके मैं तल देती हूँ। ये बहुत अच्छे शामी कबाब बनते हैं, आप भी कभी ज़रूर तो ट्राई करिएगा। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में है ना मुझे एक कमेंट आया था, उसके अंदर वो मेरा एक सब्सक्राइबर वो कह रहा था कि उसको है ना नूडल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसकी जो नूडल होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मैं अपना ये तरीका उसके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैंने पतीला भर के पानी रख दिया है, उसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया, उसके ऊपर मैंने तेल भी ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं रैंडम ब्रांड के ये हक्का नूडल्स इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर 2 पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब पानी एकदम अच्छी तरीके से उबलने के स्टेज पर आ जाए तो उसके अंदर हमने ये नूडल्स ऐड कर देने हैं। और मैंने यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ना ये थोड़ा थोड़ा ऐसे काला काला आ गया है, वो एक्चुअली मेरा तेल है। तो जो मेरा तेल जो मैं तलते समय बच जाता है ना मैं वही तेल इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जो तलते समय तेल लिया उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, नहीं तो उसमें ट्रांस फैट्स वगैरह बढ़ने लग जाते हैं, इस वजह से मैं वही तेल इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये नूडल्स डाल दूंगी मैं इस तरीके से, और इन नूडल्स को तब तक पकाना है जब तक ये कच्चे पक्के ना हो जाए। यहाँ पर दूसरे वाले गैस के ऊपर मैं मेरा फलूदा बनाने के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। यहाँ पर ये 5 स्टार का ये स्ट्रॉबेरी वाला फलूदा मिक्स ले आई हूँ मैं, और मैं उसी को बनाने वाली हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने नूडल्स के लिए यहाँ पर वेजीज भी कट करके रखी है, उसके लिए मैंने गाजर, शिमला मिर्ची बेसिकली रखी है। यहाँ पर मेरा दूध गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने डायरेक्टली ये फलूदे का मिक्सचर जो है वो ऐड कर दिया, और मैं बस अपना चमचा चला रही हूँ। और इसके अंदर ऊपर से ना शक्कर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और साइमल्टेनियसली मेरा जो नूडल है ना वो भी बाजू में बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए इसको अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है। नूडल को तो तब तक ही पकाना है जब तक वो अच्छी तरीके से पक नहीं जाता, या फिर कह सकते हो थोड़ा सा कच्चापन होना चाहिए नूडल्स में। एकदम अगर ओवर कुक हो जाएंगे ना तो फिर वो चिपक जाते हैं कभी कभार, लेकिन अगर थोड़े से कच्चे रहेंगे ना तो वो नहीं चिपकते। वेल, यहाँ पर मेरा वो गैस का उसका भी काम हो रहा है और मैं यहाँ पर अपना फालूदा भी कर रही हूँ। अभी रमज़ान ख़त्म होने को है और लिटरली इतना बुरा फील हो रहा है ना कि रमज़ान चला जाएगा, मतलब इतना अच्छा महीना, और भी बहुत कुछ हो सकता था इसमें, लेकिन काम 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 भी और इसी सब में पूरा टाइम कैसे चला जाता है कुछ समझ भी नहीं आता रमज़ान में। और ये महीना इतनी तेज़ी के साथ में जाता है ना कि वाकई में टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे जो नूडल्स हैं ना वो राइट ना भी काफ़ी हद तक कुक हो गए हैं, मतलब आधे ही कच्चे पके उस टाइप का कुक हो गया है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेरे नूडल्स अभी कुक हो गए हैं, अभी मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छा, ये वाली वीडियो में जो मैं अपनी रेसिपी दिखा रही हूँ ना ये बहुत बेसिक रेसिपी है, आप उसके अंदर चेंजेस वेंजेस भी कर सकते हो। हाँ, अच्छा, तो ये जो नूडल्स के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाली बिछा रखी है एक और पतीले के अंदर, और अभी मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि जैसे ही नूडल कुक हो जाए ना हमें उन्हें अच्छे से छान देना होता है तभी के तभी, नहीं तो फिर क्या है वो स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं। तो इस तरीके की जाली वाले बर्तन में मैं अपनी नूडल्स को छान देती हूँ। नमक ऑलरेडी ऐड किया था,
तो अभी जो मैं ग्रेवी वगैरह बनाऊंगी उसमें मैंने थोड़ा सा कम ही नमक ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ये परफेक्ट नूडल्स बन के तैयार है, आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पर मैंने चिकन को बारीक बारीक पीसेस में काट कर रखा है और यहाँ पर मैंने गार्लिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है। मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी होता है, इस वजह से मेरे काम में आपको उतना परफेक्शन देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उतने एफर्ट्स मतलब नहीं लगाती, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने कल का ये जिंजर गार्लिक का पेरा थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ था तो मैंने उसको भी ऑयल में डाल दिया, और मैं बस इसको भी अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। तेल में अभी भी आपको मेरे थोड़ा बहुत ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा, वो मेरा एक्चुअली तला हुआ तेल जो बच जाता है मैं उसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो तेल को अगर एक बार आपने कोई चीज़ उसके अंदर फ्राई कर ली और फिर उसके बाद में उसको आप दोबारा से यूज़ कर रहे हो उस फ्राई करने के लिए, और इसी तरीके से अगर आप वो तेल को बार बार यूज़ कर रहे हो ना तो उस तेल के अंदर बहुत सारे ट्रांस फैट्स बन जाते हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि अगर एक बार ऑयल यूज़ कर लिया ना तो उस ऑयल को मैं इस तरीके से किसी सब्ज़ी में कह लो या फिर नूडल में कह लो किसी भी चीज़ में इस तरीके से इस्तेमाल कर देती हूँ ताकि ट्रांस फैट ज़्यादा ना बने और सेहत थोड़ी बेटर रहे। अच्छा, तो यहाँ पर ये चिकन के अंदर मैंने फिर नमक भी डाल दिया और अभी इसको मैं अच्छी तरीके से पकाने तक छोड़ दूँगी। जब तक मेरा चिकन अच्छी तरीके से पक नहीं जाता तब तक मैं इसको यूं ही बस चम्मच चलाती रहूँगी। आप चाहो तो ना चिकन को श्रेड करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है तो मैं जो कच्चे चिकन को ही ले लेती हूँ और उसी को डाल देती हूँ, लेकिन ये भी अच्छा ही बनता है, बहुत अच्छा बनता है एक्चुअली। यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्ची मैं उन दोनों को भी ऐड कर देती हूँ। आपको मेरे किचन में थोड़ी बहुत गंदगी नज़र आ रही होंगी तो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि ये मेरा रोज़ का किचन है। मैं तो कोई ऐसे स्पेशल वीडियो बनाने के लिए किचन साफ़ करो उस टाइप का नहीं होता मेरा, रैंडमली जो है ना आपको वही दिख रहा है, तो इसी वजह से आपको सर्टन चीज़ें दिख रही होंगी मैस में, लेकिन ये मेरा वर्किंग आ रहा है तो उसके अंदर मेरे किचन का यही हाल होता है, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। तो यहाँ पर है ना मैंने सब्ज़ियाँ ऐड कर दी है चिकन की, और इस फेस पर यहाँ पर ये नूडल देखिए ये ज़्यादा ऐसे कोई स्टिकी स्टिकी नहीं हुए हैं, डिसेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सॉसेज निकाल कर रखी है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, पहले सोया सॉस ऐड कर दूँगी और फिर इसके अंदर मैं ग्रीन चिली सॉस डाल दूँगी, और आप चाहो तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो। मेरे यहाँ पर उतना ज़्यादा स्पाइस का टॉलरेंस नहीं है इसलिए मैं रेड चिली सॉस अवॉइड करती हूँ, साथ में थोड़ा सा विनेगर डाल दिया। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ियों को बस अच्छे से मिला दिया, उनको अच्छे से सॉटे कर लूँगी, हल्की सी नरम होने तक सब्ज़ियों को मैं भून लूँगी इस तरीके से, और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर है ना नूडल्स ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं अपने नूडल्स डाल देती हूँ, और ये नूडल्स को मैंने ऐसे ही रखा हुआ था थोड़े समय के लिए, इसीलिए एक साथ में से इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उतने भी ज़्यादा स्टिकी नहीं हैं, तो मैं इनको है ना अच्छे से मिला दूँगी इसके अंदर। और मैं इनके साथ में अभी बहुत ज़्यादा बेरहमी से पेश आ रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में चम्मच है, इस वजह से अगर आप इसको और भी ज़्यादा जेंटली मिक्स करोगे ऐसे हाथों से उछाल उछाल करें तो ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं ना 100 सोनार की एक लोहार की, तो मेरा लोहार वाला हाथ है यहाँ पर फिलहाल, तो उसको मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती से मिक्स कर रही हूँ। और ये वाली जो रेसिपी है ना ये नूडल की मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। आई नो इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए अजीना मोटो वगैरह डाला जा सकता है, मैं नहीं डालती हूँ, हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर है ना ये नॉर्मल है ना जोश वाला कोई तो लोकल ड्रिंक है, टेस्ट अजीब लगता है, लेकिन जब है ना इसके अंदर मैंने ये सोनाजी वाला जलजीरा डाला ना और मैंने इसको मिक्स करके पिया तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसी वजह से मैंने सोचा इस ट्रिप को ना मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगी। तो मतलब ये जो लोकल वाले आते हैं ना अपने 10-10 रुपए की इस तरीके की बॉटल्स आती है दुकानों पर, उनका टेस्ट नॉर्मली उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जलजीरा डालो ना तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। प्लीज़ कभी तो ट्राई कीजिएगा, और मेरे ना बैकग्राउंड की मेस को प्लीज़ से अवॉइड कीजिएगा। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप भी कभी तो इसको ज़रूर से ट्राई करो। बाकी अभी तो रमज़ान ख़त्म ही हो गया समझो, अभी मतलब कल का शायद से एक और रोज़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद में ईद हो जाएगी। जब छोटे हुआ करते थे तब ईद की खुशी ज़्यादा हुआ करती थी कि अभी ईद आएंगी तो खुशी होती थी, लेकिन अभी रमज़ान जा रहा है उस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि और भी कितना कुछ किया जा सकता था इस महीने के अंदर, लेकिन कितनी सारी चीज़ें करने के लिए मिस हो गई। वेल चलो जो भी, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह अगले साल का रमज़ान नसीब होगा। बात ऐसी होती है जब बच्चे छोटे हैं ना तो होते हैं ना तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो करने के लिए नहीं मिलता थी, बट दैट्स फाइन आई गेस। मुझे लगता है कि हम में से अक्सर औरतों का यही हाल होगा कि हम बच्चों में और घर में ही अटक के रह जाते हैं और फिर इबादत वगैरह करने का उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, लेकिन कहते हैं ना कि काम ही इबादत है। तो देखते हैं अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह और मौका दिया, अगले साल का रमज़ान भी अगर नसीब किया तो उसके अंदर और बेटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस रमज़ान में जो अच्छा सीखा होगा वो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर से कोशिश करूँगी, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र या फिर वक्त पर नमाज़ पढ़ना। वेल वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ईद मुबारक।